रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास प्रेप टू। बच्चों, आज हमारी सिक्स्थ असाइनमेंट से रिलेटेड फर्स्ट वर्किंग की वीडियो है। फर्स्ट वर्किंग में सबसे पहले हम इंग्लिश सीरीज स्टेप टू में पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 करेंगे। पेज नंबर 51 पर हमारे पास हेडिंग है ट्रेस राइट एंड कलर। तो ट्रेस राइट एंड कलर यानी हमें ट्रेसिंग करनी है, फिर लिखना है और कलर भी करना है इन पिक्चर्स में। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों से पहले हम समझ लेते हैं हमें सॉल्व कैसे करना है इस पेज को। तो हमने बच्चों दिस और दीज का इस्तेमाल पहले भी सीखा था। हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं THIS, 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 THIS,
इज दिस इज दिस इज। जब हमें ये अच्छी तरह रीडिंग करना आ जाएगी इसके बाद हम ये पढ़ेंगे टी एच ई एस ई दीज। क्या बनाइए? दीज दीज ए आर ई आर दीज आर दीज आर दीज आर दिस इज दीज आर। सबसे पहले हमें दिस का इस्तेमाल सीखना है, ठीक है। दिस यानी जो चीज़ें बच्चों हमारे से करीब हों और क्वांटिटी में एक हों, ठीक है, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दिस। क्या इस्तेमाल करेंगे उनके लिए? दिस। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, कितनी चौक्स हैं ये मेरे पास? एक चौक है और ये करीब है, इसको मैं टच कर सकती हूँ ना, तो ये मुझसे क्या है? करीब है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज़ अ चौक। इसी तरह अगर मैं ये दीज मेरे पास, अब ये कितनी चौक्स हैं? एक से ज़्यादा हैं, दो चौक्स हो गई। तो जब हमारे पास कोई चीज़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हो लेकिन करीब हो, नियर हो, ठीक है, तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दीज। और दीज का दोस्त कौन है? आर। जैसे अगर मेरे पास ये टू चौक्स हैं, ठीक है, और ये दोनों चौक्स मेरे पास से करीब हैं, तो मैं इनके लिए क्या इस्तेमाल करूँगी? दीज। दीज आर चौक्स। जैसे एक चौक होगी तो दिस, क्योंकि ये करीब है लेकिन क्वांटिटी में वन है, एक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस। दिस इज़ अ चौक। और अगर ये ज़्यादा हो जाए, जैसे एक से ज़्यादा ये दो हो गई, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज। दीज आर चौक्स। इसी तरह यहाँ पर बेटा आपको पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ अम्ब्रेला हैं, काइट्स हैं और लॉक्स हैं। अम्ब्रेला, कितनी अम्ब्रेला हैं यहाँ पर? एक है, क्वांटिटी में वन है। तो मैंने अभी क्या समझाया कि जो चीज़ हमारे पास क्वांटिटी में एक हो और करीब हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। ये सेंटेंस आपको बना कर दिया गया है यहाँ पर, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। ट्रेसिंग दी गई है, सबसे पहले तमाम बच्चे इसकी सफाई के साथ ट्रेसिंग करेंगे। दिस इज एन अम्ब्रेला, सही। दिस इज एन अम्ब्रेला। अब नीचे हमारे पास काइट्स हैं, लेकिन काइट एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हैं, तो मैंने क्या समझाया था कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दीज। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे, टी एच ई एस ई दीज। और दीज का दोस्त कौन है? आर। तो हम लिखेंगे ए, वन फिंगर गैप देकर लिखिएगा, ए आर ई आर, फिर वन फिंगर गैप देकर, क्या बनेंगी है ये? काइट्स। तो हम लिखेंगे काइट्स, के आई टी ई एस, दीज आर काइट्स। इसी तरह नीचे हमारे पास लॉक्स हैं, और लॉक्स भी हमारे पास एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा के लिए हम वही दीज इस्तेमाल करेंगे, दीज। टी एच ई एस
ई दीज दीज का दोस्त हैं आर ए आर ई आर दीज आर और लॉक्स की स्पेलिंग लिखेंगे वन फिंगर गैप देकर एल ओ सी के एस दीज आर लॉक्स। इस तरह से तमाम बच्चों को ये पेज कंप्लीट करना है। एक बार हम इन सेंटेंसेस को रीड आउट कर लेते हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला, दीज आर काइट्स, दीज आर लॉक्स। अब जब हमने इनको रीड कर लिया है तो तमाम बच्चों को इन पिक्चर्स में क्या करना है, कलर करना है। आप तमाम स्टूडेंट्स कलर अपनी पसंद के जो कलर आपको पसंद हो वही कलर्स आप अम्ब्रेला में कर सकते हैं, काइट में भी कर सकते हैं और लॉक में भी कर सकते हैं। ये कलर्स मुकम्मल करने के बाद वर्किंग को इस पेज की, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर 52 पर बच्चों हमारे पास हेडिंग है रीड एंड राइट। यहाँ पर आपको पिक्चर्स बना के दी गई हैं एक कैट की, ठीक है, कैट का इसके मदद से हमें सेंटेंस बनाना है और इस्तेमाल क्या करना है, दिस और दीज को यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। अब हमने ये समझा था कि दिस हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ हमारे पास क्वांटिटी में एक हो और करीब हो, और दीज हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ हमारे पास क्वांटिटी में एक से ज़्यादा हो लेकिन करीब ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैट है, ठीक है, कैट के लिए हमारे पास एक कैट है, तो एक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ अ कैट, सिंपल। और ये सेंटेंस एक बार आपको आपकी बुक में बनाकर दिया गया है, लेकिन आपने टू टाइम एक सेंटेंस को कितनी टाइम लिखना है, टू टाइम दिस इज अ कैट। इसके बाद नीचे आपके पास कितनी कैट्स हैं, एक से ज़्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दीज। जब आप टू टाइम लिख लें इसके बाद आप नेक्स्ट पिक्चर्स की तरफ आइएगा, दीज आर कैट्स, एक से ज़्यादा हैं तो हम एस का इजाफा करेंगे। इस सेंटेंस को भी आप कितनी टाइम्स लिखेंगे, टू टाइम्स, ठीक है। अब टू टाइम लिखने के बाद हमारे पास आंट है, क्या है हमारे पास, आंट है और एक आंट है, तो हम दिस इस्तेमाल करेंगे, दिस इज एन आंट, ए एन टी आंट। इस सेंटेंस को भी टू टाइम्स लिखेंगे तमाम बच्चे। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे जहां हमारे पास दो आंट्स दी गई हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो हम दीज इस्तेमाल करेंगे, दीज आर आंट्स, ए एन टी ज़्यादा के लिए एस लगाएंगे। इस तरह ये सेंटेंस भी आपको टू टाइम्स लिखना है अपनी बुक में। इसके बाद ये पेज कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है बच्चों वो है हमारी हैप्पी किड सीरीज मैथ बुक 3 में, पेज नंबर है 41 और पेज नंबर 42। सबसे पहले हम पेज नंबर 41 सीख लेते हैं। पेज नंबर 41 पर हमें दिए गए हैं नंबर्स, यानी हमें आज मिसिंग नंबर्स हैं ये बिफोर, बिटवीन और आफ्टर के। बिफोर यानी पहले आने वाले नंबर्स, बिटवीन यानी दरमियान में आने वाले नंबर्स और आफ्टर यानी बाद में आने वाले नंबर्स। तो बिफोर यानी पहले आने वाले नंबर्स, जैसे यहाँ 2 है बच्चों, ठीक है, तो 2 से पहले हमारे पास क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर 2, 2 से पहले हमारे पास क्या आता है, 1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। इसी तरह यहाँ पर 4 लिखा है, 4 से पहले क्या आता है, 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3। इस तरह से आपको बिफोर यानी पहले आने वाले नंबर्स का पूरा पैटर्न मुकम्मल करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बिटवीन यानी दरमियान में आने वाले नंबर्स, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है स्टार्ट में और फिर 3 लिखा हुआ है, और बीच में यानी बिटवीन दरमियान में आने वाले नंबर होते हैं, तो 1 और 3 के दरमियान में क्या आएगा, 2, 1, 2, 3। अब ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पर है 4 और यहाँ पर क्या है, 6।
फोर और सिक्स के बीच में क्या आएगा? फाइव. फोर फाइव सिक्स, इस तरह ये पेयर हमने कंप्लीट कर लिया. इस तरह बिटवीन यानी दरमियान में आने वाले नंबर्स के तमाम पेयर्स, तमाम बच्चों को ये खुद कंप्लीट करने हैं. इसके बाद आप आएंगे व्हाट कम्स आफ्टर यानी बाद में आने वाले नंबर्स. जैसे यहाँ पर थ्री है और फिर ब्लैंक है. थ्री के बाद क्या आता है? फोर, तो हम फोर लिखेंगे. यहाँ पर क्या है? फाइव. फाइव के बाद क्या आता है? सिक्स, तो हम यहाँ सिक्स लिखेंगे. इस तरह ये पैटर्न भी तमाम बच्चों को मुकम्मल करना है. इसके बाद तमाम बच्चे निकालेंगे पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 पर हमारे पास है मैथ साइंस. ठीक है, तमाम बच्चे पेज नंबर 42 निकालिए. की टू मैथ साइंस, हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है की टू मैथ साइंस. वैसे तो साइंस हम अपनी नंबर सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन पढ़े थे. यहाँ पर आपको जो साइंस है और उनके टर्म्स को पढ़ना है. सबसे पहला साइन है हमारे पास, ये हमने क्या पढ़ा था? प्लस. प्लस की आज हम एक और टर्म आपको बता रहे हैं, वो है एडिशन. प्लस के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? एडिशन. एडिशन, ठीक है. तो जहाँ भी टर्म इस्तेमाल हो एडिशन, इसका मतलब है आपको यहाँ क्या करना होगा? प्लस. और प्लस में हमारे पास चीज़ें क्या हो जाती हैं? एक से जब हम प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं तो हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं. जमा करने से हमारे पास चीज़ें क्या हो जाती हैं? ज़्यादा, ऐड कर लेते हैं हम. इसी तरह हमारे पास दूसरी टर्म हम आज सीखेंगे. ये टर्म तमाम बच्चों ने पढ़ी थी माइनस के नाम से. और इसकी टर्म, एक और टर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, वो है सब्ट्रैक्शन. तो ये टर्म तमाम बच्चे याद करेंगे, सब्ट्रैक्शन. माइनस के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करेंगे? सब्ट्रैक्शन. यानी जहाँ भी सब्ट्रैक्शन की बात कर हो रही हो तो वो तमाम बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन माइनस को ही बोलते हैं. ठीक है, और माइनस करने से हमारे पास चीज़ें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं. एडिशन में हमारे पास ज़्यादा होती हैं और माइनस में यानी सब्ट्रैक्शन में कम हो जाती हैं. और इसके अलावा एक और टर्म हम आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. ये साइन जहाँ लगा हुआ हो बच्चों, वहाँ टर्म इस्तेमाल होगी इक्वल. ये टर्म आपको याद करनी है, इक्वल. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल. सिर्फ ये तीन टर्म्स आपको याद करनी है अच्छी तरह, और मालूम होना चाहिए कि जहाँ ये साइन हो इसकी टर्म्स कौन सी हैं. ठीक है, इसके बाद बच्चों अब आज की हमारी सिक्स्थ असाइनमेंट की फर्स्ट वीडियो की वर्किंग कंप्लीट हुई. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.